हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं द गैंगस्टर ऑफ वेगास। तो पिछली बार फ्रैंक के लिए गुडमैन के सी प्लेन चुराने के बाद सडनली गुडमैन का कॉल आ जाता है एंड जेसन पूरा डर जाता है। बट कोई नहीं, वो कोई सनी साइड अप नाम की कोई बोट चुराने की बात कर रहा था जो है मरीना के पास। तो चलते हैं वहाँ पर इस कार को चला के। बाकी जो जो बंदे चैनल पे नए हो, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना एंड कमेंट में बताना आपको किस गेम पसंद है एंड आपको इस गेम प्ले एपिसोड्स कैसी लग रही है। बाकी आपको पूरा स्टोरी समझा देता हूँ। गाइज हुआ क्या था, सी प्लेन चुराने के बाद जैसन जब घर लौट रहा था तो सडनली गुडमैन बुलाता है एंड बताता है कि कोई बिजनेसमैन उसे गंदी गंदी गालियाँ दे रही है जो मरीना के पास है। ऐसे भी गाइज गुडमैन बहुत ज़्यादा टेढ़ा इंसान है जो बात बात में गुस्सेल हो जाता है। तो इसीलिए गाइज वो आदमी को मार के उसकी बोट ला के देने के लिए बोलता है। एंड ऐसे भी गाइस हमको मतलब जैसन को इस मिशन को क्विकली कंप्लीट करना है क्योंकि फ्रैंक ने बताया था कि उसकी जाने के बाद उसके दोस्त बेनी जब कॉल करेगा तो उसकी चोपर भी छुड़ाने जानी है जो है पुलिस के पास। तो सबसे पहले निपटाते हैं इस गुडमैन की मिशन को एंड देन जाएंगे बेनी के पास। सी प्लेन चुराने के बाद गुडमैन एंड फ्रैंक के अंदर थोड़ा बहुत दुश्मनी हो चुकी है। तो इसीलिए जेसन जो ये गुडमैन के लिए मिशन कर रहा है ये फ्रैंक को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हमको इस मिशन को बहुत ज़्यादा सिक्योरली कंप्लीट करनी चाहिए। वेल गाइज अब हम मरीना के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं एंड फाइनली गाइज पहुँच चुके हैं इस मरीना के पास एंड जाते हैं उस बोट के पास मतलब सनी साइड अप के पास। अबे यार यहाँ पे तो कोई उस बिजनेसमैन को मार रहा लगता है, किसी अदर गैंगस्टर के बंदे होंगे। हमें क्या, हम तो उस बिजनेसमैन को मार के बोट ले जाने आए हैं। प्रोटेक्ट द बिजनेसमैन। ओके गाइस बात समझ जाइए आप। अबे कुछ तो दिमाग लगा जैसन। गाइस अगर हम इस बंदों को मार के इस गैंग बिजनेसमैन को बचा ले तो हम इसके पास हुए दोस्त। तो मारते हैं इस बदमाशों को। फायर, सब के सब मरोगे, कहाँ जा रहे हो चचुंदरो। तो फाइनली गाइस हम इस बिजनेसमैन को बचा चुके हैं एंड पूछते हैं इस बोट की पता। अबे वो जो बंदे आए थे वो भी इस बोट को लेने आए थे। कोई नहीं, फाइनली बिजनेसमैन हमको इस बोट को दे चुकी है ना। अब हम जाते हैं गुडमैन के बताई हुई लोकेशन पे। तो गुडमैन लोकेशन यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर दूर है। कोई नहीं, जाते हैं 1.5x स्पीड में। वेल गाइस अब हम आ चुके हैं गुडमैन की बताई हुई लोकेशन पे एंड लगाते हैं फ़ोन गुडमैन को एंड बताते हैं कि भाई तेरा बोट आ चुका है। अबे भाई मतलब मैं जब फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन उठाया एंड बोला कि भाई ठीक है आ चुका है एंड फ़ोन काट दिया। मतलब बंदे में बहुत ज़्यादा चोर आ चुका है। कोई नहीं, अब मेरा तो बहुत ज़्यादा काम है एंड अभी जाएंगे एयरपोर्ट के पास एंड पहले बेनी को कॉल लगा लेते हैं। A few moments later. तो फाइनली गाइस बेनी हमको पूरा स्टोरी एंड प्लान समझा देता है। वो बता रहा था कि कल रात फ्रैंक की चोपर जो बहुत ज़्यादा कीमती है उसको कल रात पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले गई है क्योंकि ऐसे भी फ्रैंक इस वेगा सिटी में बहुत ज़्यादा अमीर आदमी होने के साथ साथ बिग माफिया भी है जिसके सबूत अभी तक पुलिस को नहीं मिला। तो इसीलिए फ्रेंड्स पुलिस ने कल रात आके इस चोपर को फ्रैंक की कैसीनो के ऊपर से ले गया है एंड फ्रैंक बता रहा था कि ज़्यादा कीमती सामान तो नहीं है बट उस चोपर की मतलब हेलीकॉप्टर की पैसेंजर सीट के नीचे एक USB है जिसमें फ्रैंक के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के साथ साथ क्राइम के सबूत है। जो पुलिस के हाथ लग गई तो समझो फ्रैंक ख़त्म, मतलब फ्रैंक जेल भी जा सकती है। तो उस चोपर आज फोरेंसिक जाँच के लिए एयरपोर्ट में है। कुछ ही देर के अंदर फोरेंसिक टीम आएंगे एंड चोपर की जाँच होगी बट उससे पहले हमको उस चोपर को चुराना है। तो गाइस कुछ ही समय के अंदर हम पहुंचने वाले हैं इस एयरपोर्ट पे, जाके मिलते हैं आपसे। एंड फाइनली गाइस अब हम पहुंच चुके हैं इस एयरपोर्ट पे एंड यहाँ पे 4 पुलिस है जिसको हम कार से कुचल के मारेंगे। एंड और एक इंटरेस्टिंग बात, उसमें एक पुलिस हमको फोरेंसिक गाइस समझ रही है, मूर्ख पुलिस। तो कुचलने का काम शुरू करते हैं। म्यूजिक Thank you.
नाउ गाइस हमारे पीछे वन स्टार की पुलिस लग चुकी है। अब उड़ाते हैं इस हेलीकॉप्टर को। एज ए पायलट मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो मैं इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करूँगा। एंड जाते हैं फ्रैंकी कैसिनो के ऊपर, एंड वहाँ पे बेनी भी होगा, तो वहीं पर हम रिवॉर्ड ले लेंगे एंड जाएंगे घर में। ऐसे भी गाइस आज बहुत ज़्यादा काम करके कर चुके हैं, मतलब एक ही बार में दो दो मिशन। ऐसे भी गाइस उस सी प्लेन की तरह इस चॉपर को भी कंट्रोल सही नहीं है, बट उससे बेहतर है कोई नहीं। अब फ्रैंकी कैसिनो भी नजर आ चुकी है। A few moments later. And finally guys, हम पहुंच चुके हैं इस फ्रैंकी कैसिनो के टॉप फ्लोर में, एंड उतरते हैं इस चॉपर को इस हेलीपैड के ऊपर। एंड फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं फ्रैंकी कैसिनो के टॉप फ्लोर में, उतरते हैं इस चॉपर को इस हेलीपैड के ऊपर। एंड फाइनली गाइस हम सक्सेसफुली टू मिशन को कम्प्लीट कर चुके हैं। आज तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिवॉर्ड्स भी मिला। तो बस गाइस अब तक के लिए बस इतना ही। आई होप गाइस आपको ये गेम प्ले सीरीज अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर लेना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं किसी अगले गेम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।